आज मेरा पहला दिन है इंटरेस्टिंगली कॉलेज में, और 10 बजे बुलाया है कॉलेज में मेरे। मेरा कॉलेज यहाँ से 5 मिनट दूरी है, मैंने डेलिब्रेटली इसे पिक किया था बिकॉज ये क्लोज बाय है। मुझे पहुँचना है 9:30 बिकॉज मुझे स्टूडेंट आईडी कार्ड भी पकड़ना है, काफ़ी सारी चीज़ें करनी है यार आज। आई होप हो जाए। वैसे तो 10 बजे का एक लेक्चर है, फिर 2 बजे का भी है, वो भी अटेंड करना है। अभी काफ़ी सारे छोटे मोटे काम भी हैं जो करने हैं, जिसके बिना आई कैन नॉट स्टार्ट डूइंग वर्क लीगली। मौसम अच्छा हो रहा है काफ़ी, रात को ठंडा था, बारिश हो रही थी, लेकिन अभी ब्राइट सनी वेदर है। चलो लेके चलता हूँ कॉलेज, आपको दिखाता हूँ कैसा है। भाई मौसम देखो यार, आज सुबह 8 बज रहे हैं अभी, क्या सीटी मार रहा है यार मौसम, मज़ा ही आ गया। मस्त धूप निकली हुई है और अब मैं यहाँ बैठ के पीऊँगा भाई, चाय के बिना काम नहीं चलता अपना। मेरे पास अभी 1 घंटा है आराम से। हाँ जी, तो वो शुभ अवसर आ चुका है, आज मेरा पहला दिन है कॉलेज में, और नहाई नहाई करने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि पानी गर्म ही नहीं आ रहा था, बड़ी देर हो गई थी निकालते हुए पानी, यहाँ पे पता नहीं 2-3 मिनट के बाद आता है। एनीवेज मौसम बहुत ही सुहाना है और मैं जा रहा हूँ अपने कॉलेज यूनिटेक, आज मेरी फर्स्ट क्लास है, पहला लेक्चर है स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग या बिजनेस स्ट्रेटेजी का। तो बस अभी निकल रहे ले अपन लोग, IST के अनुसार, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार हम लोग लेट हैं। अभी बस भाग रहा हूँ, 10 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, 20 मिनट है क्लास शुरू होने में। चलो जी दिखाते हैं अपना कॉलेज और हम खुद भी देख लेते हैं, मिलते हैं कॉलेज में। स्ट्रेटेजिक IQ की क्लास है, स्ट्रेटेजिक IQ, पता नहीं क्या बोलने में लगा, वो स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग ये वो, सॉरी स्ट्रेटेजिकल IQ। हाय सर, गुड मॉर्निंग, 4025 ग्लेन सिमंस स्ट्रेटेजिक IQ क्लास। सो व्हाट्स द बिल्डिंग? 112 112, okay, go around to the main door there. All right. Just around that corner. And it's on the 4th level. Okay. बाहर लो भैया, लेट हो गए। एक भी बंदा अपना जान पहचान का नहीं दिख रहा फिलहाल। 113, 112. स्टूडेंट आईडी मांग रहे हैं अटेंडेंस के लिए, वो लेने जाना है। परमिशन तो ले ली है भाई से, बंदा तो सही लग रहा है। चलो भाई। तीन बेरोजगार न्यू लेन स्टेशन की तरफ अपनी सिम एक्टिवेट कराने के लिए, और ये चल रहे हैं हमारे आगे आगे डॉक्टर एरिक और डॉक्टर शर्मा। वापस भी आना है यार मेरे को तो माउंट एल्बर्ट। भाई जी यहाँ तो एनी टाइम फिटनेस भी है, तो इंडियन ब्रांड है मेरे ख्याल से, इंडिया में बहुत दिखती है। हाँ जी, मेरी तो हमारे दो कैरेक्टर से ये है, शर्मा जी के छोटे लड़के, इनका नाम है श्रेय शर्मा। हेलो। और ये गुड़गांव से हैं, और ये है एरिक रॉड्रिग्वेस, ये है कोआमची मुंबई से। तो ये दोनों दोस्त मेरे को मिले हैं यहाँ पे, और अभी मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स बने नहीं हैं यहाँ पर, ये दो खास हैं जिनसे मैं बात करते हुए आ रहा था। फिलहाल न्यू लेन की तरफ जा रहे हैं, माउंट एल्बर्ट स्टेशन पे हम लोग आ गए हैं, यहाँ से कार्ड मैंने स्कैन कर दिया है, अब हम न्यू लेन उतरेंगे, फिर वहाँ जाके स्टूडेंट कंसेशन लगाना है और अपनी सिम कार्ड एक्टिवेट करानी है। बहुत सारे काम है, एनी स्टूडेंट हु इज कमिंग टू न्यूजीलैंड उसको भी ये सब करना पड़ेगा, ये प्रोसेस है, इसके बिना दुनिया नहीं चलेगी। तो भैया चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। हाँ जी, तो वापस आ गए हैं न्यू लेन से, जिस काम के लिए गए थे वो तो हुआ ही नहीं, वहाँ जाके और कंफ्यूज और हो गए कि अभी अपन लोगों को स्पार्क का सिम चाहिए या फिर 2 डिग्री का सिम चाहिए, वहीं के वहीं कंफ्यूजन हो गई है, और वो स्पार्क का तो शोरूम ही बंद हो गया था। वैसे मेरे हिसाब से स्पार्क के ज़्यादा बेटर ऑफर्स हैं, कवरेज ज़्यादा अच्छी है एज़ फार एज़ आई नो एंड आई हैव रेड इट ऑन गूगल। दूसरा काम था हमारा AT हॉप कार्ड का, जिसमें कि कंसेशन का हम लोगों को अप्लाई करवाना था, वो तो हो ही नहीं सकता विदाउट सिम कार्ड, बिकॉज उसमें नंबर पर एक OTP आता है, वो नंबर पर जब तक OTP नहीं आया, सिम चालू नहीं हुई, तो वो काम भी नहीं बनने वाला। तो ऑल इन ऑल घूम फिर के आ गए, तफरी करके आ गए, तो यहाँ पे अभी ऐसे होना ही है, घर की काम होंगे नहीं होंगे ये सब चलता रहेगा। अब चलते हैं, अपना सामान सुमान लेते हैं, घर पे कुछ खाना वाना खाते हैं, आज के लिए मेरे ख्याल से हो गया है। ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल की मोटिवेशन के लिए आगे शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।